वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सृष्टि और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो व्लॉग है ये एक ड्रेस कॉल है। अभी चल रहा है शादियों का सीजन, बहुत सारी शादियां हो रही है मेरे आसपास, सो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए मैं अपना कलेक्शन लेके आऊं जो मेरे पास है। अभी तक मैंने लास्ट 2-3 ईयर में जितनी भी शादियां अटेंड की उसके लिए मैंने जो भी पीसेस खरीदे थे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उन्हीं को अलग अलग तरीकों से पहन के और यूटिलाइज करूं, रैदर देन कि हर टाइम एक नया पीस खरीदना, क्योंकि इतना ना हमारे पास स्पेस होता है घर में रखने के लिए और ना ही इतने पैसे हैं कि भाई हर टाइम नए नए कपड़े लेने हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पीसेस हैं जिसको मैं बहुत अलग अलग जगह पे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस में मैंने पहने हैं एंड बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इनकी वजह से, सो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी शेयर करूं एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारा लहंगा सेट। ये एक्चुअली सेट में नहीं आया था, इसका टॉप अलग से मैंने परचेस किया है, इसका जो स्कर्ट वाला पार्ट है वो मैंने अलग से परचेस किया है, बट ये एक बहुत ही प्यारा कॉम्बो बनाते हैं। एंड सिंस आप सभी जानते हैं कि लहंगे इज वेरी महंगे, मुझे जो ये लहंगा मिला था ये मुझे दोनों सेट जो था वो आई थिंक 1400 कुछ का पड़ा था एट दैट टाइम जब मैंने खरीदा था इसको। क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत ही लाइट वेट है, कोई हैवीनेस नहीं है कि मतलब थक जाओगे आप लहंगा पहन के, ऐसा कुछ नहीं है। घेर बहुत अच्छा है इसका, क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़े की। इसके साथ आपको कोई दुपट्टा या चुन्नी नहीं मिलेगी, सो वो आपको अपने साइड से अलग से परचेस करना है, बट आई थिंक 1400 के हिसाब से बहुत ही अच्छा परचेस है। इसका जो ऊपर का ब्लाउज है मैं उसको साड़ी के साथ भी मैंने स्टाइल किया है, मैंने जो इसका स्कर्ट है वो मैंने बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल किया है और मैंने आई थिंक उसका शॉर्ट्स भी डाले हैं, तो वो शॉर्ट मैं यहाँ कहीं पे अटैच कर दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा कि आप एक ही लहंगे से कितने अलग अलग आउटफिट्स बना के पहन सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट पीस। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ जो कि है ये बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर का कुर्ता सेट। ये ब्लैक कलर का कुर्ता सेट जो है ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया है एंड ये बहुत ही क्लासी पीस है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सादा वर्क है, आपको जो वर्क मिलेगा वो नेकलाइन पे ही मिलेगा। बहुत ही अच्छी फिटिंग है, मुझे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे इसका डिजाइन जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा लगा और इसके साथ अगर आप एक वेलवेट का रेड कलर का दुपट्टा ले लें तो ये बहुत ही रॉयल लुक देता है। ऑल्दो ये आई थिंक मुझे 900 समथिंग कुछ में मिला था जब मैंने ऑर्डर किया था इसको, अभी का इसका जो भी प्राइस होगा वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके नॉर्मल डेली फंक्शंस जैसे किसी के घर आपको जाना है, इनॉग्रेशन है या कोई छोटी मोटी पार्टीज है आपको वहां जाना है उसमें भी आप इसको पहन के जा सकते हैं। अगर आप इसको एक हैवी वेलवेट रेड दुपट्टे के साथ लेते हैं तो ये बहुत ही रॉयल लुक देगा। सिंपल येट एलिगेंट, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा पीस है। तो ये है हमारा सेकेंड पीस। इसके बाद मैं आपको एक और पीस लेके आई हूँ, अगेन दिस इज फ्रॉम मिंत्रा इटसेल्फ। ये भी कुर्ता सेट है, ये इसका जो कलर है वो मुझे इतना अच्छा लगा था, मरून कलर, इतना डार्क मरून, इतना प्यारा मरून है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, इसकी जो फिटिंग है वो इतनी प्यारी आई थी मुझे लिटरली नहीं लगा था कि मैं इसको रखूंगी। मैंने जब इसको मंगाया था मैंने बस ट्राई करने के लिए मंगाया था एंड इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, आई थिंक 670 समथिंग कुछ में मुझे ये पूरा सेट मिला था एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये कहीं से नहीं लगता कि आपने कुछ 600 या 700 की ड्रेस पहनी है, बहुत ही एलिगेंट लुक देता है, बहुत ही रॉयल लुक देता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यस इसको भी आप बहुत अलग अलग वे में ट्राई कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मिंत्रा से जो एक और ड्रेस है जो मैंने पहनी हुई है अभी भी वो ड्रेस के लिए। ये मैंने जब इसको ऑर्डर किया था ये मुझे मिला था अराउंड 1000 रुपीज के आसपास, 1000 समथिंग कुछ में मैंने इसको ऑर्डर किया था। इसमें फ्लोर लेंथ पूरा अनारकली स्टाइल का जो कुर्ता है गाउन टाइप का ही मिल जाएगा, अगर आप इसको एज अ गाउन पहनना चाहें तो आप एज अ गाउन भी पहन सकते हैं, एथनिक गाउन। इसके साथ आपको एक नेट की चुन्नी मिलती है जिसमें बहुत ही प्यारा बॉर्डर लगा हुआ है साइड में। इस पूरे कुर्ते में आपको कहीं पे भी वर्क नहीं मिलेगा,
सिर्फ और सिर्फ गले में वर्क है, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक 1000 रुपीज के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बाय है। इसको भी अगर आप चाहे तो गोल्डन कलर के दुपट्टे के साथ या आप किसी और कलर के दुपट्टे के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस इन पूरे हॉल में, मैं इसलिए इसको पहन के भी बैठी हुई हूँ। वेट बहुत ही क्लासी, बहुत ही प्यारा पीस है। इसके भी आपको सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद मूविंग ऑन, नेक्स्ट पीस जो है हमारा, ये मैंने ऑर्डर किया था शरारा सेट, ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। एंड मेरे लिए ये छोटे मोटे फंक्शंस के लिए बहुत ही अच्छा पीस है, एंड ये भी मुझे बहुत सस्ते में मिला था, आई थिंक 600 और 700 के आसपास ही मिला था ये सेट, पूरा सेट। आपको भी आई होप अच्छा लगा हो। इसके बाद मैं चलती हूँ आज की सबसे अमेजिंग जो मेरा सेट है, जो मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये जो सेट है ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, एंड आई लव दिस पीस, मुझे इतना पसंद है ये पीस, इतना पसंद है क्योंकि ये बहुत यूनिक है। इसको आप एंड इट इज वेरी अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ते में मिला था मुझे, 600 या 700 में मिला था। ये पूरा सेट था तीन चीजों का। बेसिकली हमारे पास एक जैकेट है, इसमें ऊपर में एक टॉप है, और नीचे में आपको बेसिकली एक धोती स्टाइल की स्कर्ट मिल जा रही है, जो इतनी प्यारी लगती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी फिटिंग भी मुझे बहुत अच्छी आई है। सो दिस पीस इज वन ऑफ माई फेवरेट, बहुत स्टाइलिश है, बहुत अफोर्डेबल है, एंड मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, मुझे आज तक यकीन नहीं होता है कि मुझे इतना अच्छा पीस मीशो से मिला है। यस, दिस इज फ्रॉम मीशो, इसका भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप आप सभी को मेरा ये हॉल बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि आपका कौन सा फेवरेट था। इस हॉल के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सायोनारा।